गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दिलीप पिपाड़ा, सहाचार्य अर्थशास्त्र विभाग राजकीय महाविद्यालय नाथ द्वारा। व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित पिछले वीडियो में हमने मांग क्या होती है, मांग कितने प्रकार की होती है, मांग में विस्तार किस प्रकार से होता है, मांग में संकुचन या वृद्धि या कमी किस प्रकार से होती है, मांग का नियम क्या होता है आदि सभी चीजों का हमने विस्तार से अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम मांग की लोच का क्या अर्थ है और मांग की लोच कितने प्रकार की होती है उसको विस्तार से देखेंगे। ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और सामान्यतः कोई भी परीक्षा होती है तो उसमें मांग की लोच से रिलेटेड कोई न कोई एक सवाल जरूर पूछा जाता है। तो हम ये देखेंगे कि कीमत में मांग की लोच है क्या। जब हमने मांग के नियम की बात करी थी तो मांग का नियम जो था ये गुणात्मक कथन था। क्या था? गुणात्मक कथन था कि किसी वस्तु की कीमत में होने वाली वृद्धि के साथ मांगी जाने वाली मात्रा घटती है, किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ती है। पर हमारे को यहाँ केवल एक बताया था कि देर इज ए नेगेटिव रिलेशनशिप। क्या है? कीमत में मांगी जाने वाली मात्रा में ऋणात्मक संबंध है। पर अगर उसको नापे कि कीमत में 2 रुपए का परिवर्तन या कीमत में 10 रुपए का 10% का परिवर्तन होने से मांगी जाने वाली मात्रा में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा तो ये मांग के नियम के अंतर्गत हम नहीं कर सकते हैं। तो अगर मांग का परिमाणात्मक नाप करना हो, अगर हमको क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करना हो तो हम आगे इसके लिए करते हैं मांग की लोच। अर्थात ये मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है जबकि मांग की लोच एक मात्रात्मक माप है जो ये बताती है कि अगर कीमत में 1% परिवर्तन होगा तो मांगी जाने वाली मात्रा में कितना प्रतिशत परिवर्तन हो सकता है। इसका माप ही सामान्य रूप से मांग की लोच कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मांग की लोच कीमत में परिवर्तन से उपभोक्ताओं की मांग में जो परिवर्तन की प्रवृत्ति होती है, किसी भी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोक्ताओं की मांग में जो परिवर्तन की प्रवृत्ति होती है उसको ही मांग की लोच कहा जाता है। इस बारे में बोल्डिंग ने कहा कि कीमत में 1% परिवर्तन करने से उपभोक्ता के द्वारा जो मांगी जाने वाली मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन किया जाता है उसका मेजरमेंट या उसका माप ही मांग की लोच कहा जाता है। हो सकता है कि कीमत में 1% परिवर्तन से मांगी जाने वाली मात्रा में 1% से ज्यादा परिवर्तन हो। ऐसा भी संभव है कि हम कीमत में 1% परिवर्तन करें तो मांगी जाने वाली मात्रा में भी 1% परिवर्तन हो, या कीमत में हम 1% परिवर्तन करें तो मांगी जाने वाली मात्रा में कोई परिवर्तन भी नहीं हो, हो सकता है 1% से कम हो। तो मांग की लोच सामान्य रूप से क्या है कि कीमत में होने वाले परिवर्तन की प्रतिक्रिया मांग पर कितनी पड़ती है, कितने प्रतिशत पड़ती है, क्या ये बहुत ज्यादा पड़ती है या बहुत कम पड़ती है या बिल्कुल नहीं पड़ती है, इन सब का जो मेजरमेंट किया जाता है उसको मांग की लोच कहा जाता है। तो मांग की लोच की अगर हम परिभाषा की बात करें तो एक नॉर्मल हम परिभाषा दे सकते हैं कि किसी भी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन की प्रतिक्रिया स्वरूप मांग में होने वाले प्रतिशत होने वाले परिवर्तन का माप ही मांग की लोच कहा जाता है। हम यहाँ कुछ जो अर्थशास्त्री है उनकी परिभाषाओं को भी कोट करने का प्रयास करेंगे। तो श्रीमती जान रॉबिन्सन की बात करें तो उन्होंने ये कहा कि कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने के फलस्वरूप मांगी जाने वाली मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसका माप ही मांग की लोच कहा जा सकता है। इसी प्रकार से बोल्डिंग ने कहा है कि कीमत में 1% परिवर्तन होने के फलस्वरूप मांगी जाने वाली मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसका माप ही मांग की लोच कहा जाता है। इसी प्रकार से क्रेन क्रास नाम के एक इकोनॉमिस्ट हुए, उनका यह मानना था कि किसी भी वस्तु की मांग की लोच उस वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के फल की प्रतिक्रिया में मांगी जाने वाली मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसका माप है। तो मांग की लोच सामान्य रूप से क्या है? मांग की लोच हम बोल्डी की परिभाषा से लेते हैं तो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन और ऊपर लेंगे मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। तो देखिए प्रतिशत परिवर्तन किसको कहते हैं? चेंज। देखिए मांग में चेंज,
पहले का चेंज गुणा 100। प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकालते हैं? प्रतिशत परिवर्तन बराबर होता है परिवर्तन बटे पूर्व मात्रा मल्टीप्लाई बाय 100। तो मान लीजिए पूर्व मात्रा थी क्यू, तो क्यू पूर्व मात्रा है और चेंज हुआ डेल्टा क्यू, तो यहां हम लिखेंगे डेल्टा क्यू मांग मात्रा में मांग मात्रा में परिवर्तन। क्यू लिखेंगे पूर्व मांग मात्रा, और नीचे देखिए कीमत में चेंज इन प्राइस पूर्व प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ये चेंज इन प्राइस कीमत में परिवर्तन और पी पूर्व कीमत। तो यहां देखिए हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 100 से 100 कटा, तो ये लिखेंगे मांग की डोज को हम ई भी लिख सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आप चाहे तो कैपिटल ई भी लिख सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ई, इज द सिंबल ऑफ इलास्टिसिटी, डी इज द सिंबल ऑफ डिमांड। सो डेल्टा क्यू बटे क्यू मल्टीप्लाई पी ऊपर जाएगा, डेल्टा पी नीचे आएगा, तो हम मांग की डोज का फॉर्मूला लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। ये हमारे मांग की डोज को निकालने का फॉर्मूला है, क्लियर। अगर देखिए क्वांटिटी की जगह एक्स लिखेंगे तो यहाँ एक्स आ जाएगा, अगर क्वांटिटी की जगह हम और कोई वैल्यू लिखेंगे तो ये आ जाएगा। तो मोटा मोटी क्या है कि मांग की लोच क्या है, मांग मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ डिवाइडेड बाय कीमत में परिवर्तन। तो अगर हम मांग की लोच कीमत के आधार पर निकालते हैं तो उसको हम बोलेंगे मांग की कीमत लोच। अगर हम आय में प्रति, इससे स्पष्ट है कि मांग की लोच सामान्य रूप से कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन का माप है। अब देखिए मांग की लोच के प्रकार की बात करते हैं तो सामान्य रूप से मांग की लोच के हम तीन प्रकार में बांट सकते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा कि पहले हम पढ़ चुके हैं कि मांग तीन प्रकार की होती है, कीमत मांग, आय मांग व तिरछी मांग। सिमिलरली कीमत मांग को नापने के लिए तो इसी प्रकार से मांग के लोच के प्रकार, तो लोच के प्रकार भी तीन होंगे। पहला कीमत, कीमत लोच, इसको बोलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस कीमत लोच, और दूसरा आय मांग होता है तो आय लोच निकलेगी, तीसरा तिरछी मांग होती है तो तिरछी लोच निकलेगी। तो कीमत लोच के लिए हम क्या करेंगे, कीमत में प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन नीचे लेना है और ऊपर लेंगे मांग मात्रा में प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन। तो क्या करेंगे, मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन तो होगा डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय क्यू मल्टीप्लाई बाय 100। इसी प्रकार से कीमत में आनुपातिक परिवर्तन होगा तो अगर चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, जैसा कि अभी हमने किया 100 से 100 कटा, तो हम इसको लिखेंगे डेल्टा क्यू बटे क्यू मल्टीप्लाई पी अपॉन डेल्टा पी। उल्टा कर दिया क्योंकि ए अपॉन बी सी अपॉन डी होता है, तो इसमें लिखते हैं ए अपॉन बी गुणा डी बटे सी, उसी क्रम में हमने लिखा है। तो यहां देखिए इसे लिखेंगे तो मांग की कीमत लोच का फॉर्मूला हो जाएगा पी अपॉन क्यू, ये पी इधर लिखा ये क्यू लिखा, डेल्टा क्यू डेल्टा पी। ये इसको आप चेंज भी लिख सकते हैं, अगर अवकलन की विधि से लिखें तो ईपी बराबर पी अपॉन क्यू डी क्यू अपॉन डी पी डेल क्यू अपॉन डेल पी। तो ये मांग की कीमत लोच को निकालने का फॉर्मूला है। मांग की कीमत लोच क्या होती है, किसी वस्तु की कीमत में 1% परिवर्तन होने के फलस्वरूप मांगी जाने वाली मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसको ही मांग की कीमत लोच कहा जाता है, या हम ये भी कह सकते हैं किसी भी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप मांगी जाने वाली मात्रा में जो भी परिवर्तन होता है उसका माप ही मांग की कीमत लोच कहलाता है। दूसरी मांग की लोच होती है वो होती है मांग की आय लोच, यानी किसी भी वस्तु की आय में परिवर्तन, किसी भी उपभोक्ता की, देखिए मांग की सेकेंड है मांग की आय लोच, इसको बोलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ इनकम। क्या लिखेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ इनकम ई आई, आई डिपेंड टू, आप इसको आई को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इलास्टिसिटी। तो यहां देखिए मांग मात्रा में
प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन बटे आय में प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन। तो मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन वही डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय 100। इनकम में डेल्टा आई बटे आई, आई स्टैंड फॉर इनकम, तो आप इसको लिखेंगे तो आएगा डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय आई ऊपर आ जाएगा डेल्टा आई नीचे आ जाएगा। तो मांग की आई लोच वेलोसिटी ऑफ इनकम दैट इज डेल्टा दैट इज आई अपॉन क्यू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा आई। तो यहां देखिए कोई भी अंतर नहीं है, जहां पहले प्राइस था वहां पर क्या आ गया है इनकम आ गया है, पी की जगह आई आ गया है, बाकी सिमिलरली फॉर्मूला वही है मांग की आई लोच निकालने का। तो अगर हम पूछे कि मांग की आई लोच किसे कहा जाता है, तो किसी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसके द्वारा जो मांगी जाने वाली मात्रा है उसमें जो परिवर्तन होता है उसका माप ही मांग की आय लोच कहलाता है। अब देखिए हमने जब पढ़ा था आय मांग की मांग के प्रकार में पढ़ा था आय मांग, तो उसमें हमने दो प्रकार की वस्तुएं ली थी सामान्य वस्तु और हीन वस्तु। तो हम आय की लोच निकालेंगे तो सामान्य वस्तु की आय लोच पॉजिटिव आएगी और हीन वस्तु की आय लोच क्या आएगी नेगेटिव आएगी। तो ये एक साइन भी बताता है कि पॉजिटिव आना है या नेगेटिव आना है। केवल हम वहां पर केवल एक गुणात्मक बात करते थे या मात्रा में भी बता रहे हैं, और जब हम कह रहे थे कि मांग की लोच नेगेटिव होती है तो यहां मांग की लोच नेगेटिव साइन के साथ आएगी जो ये बताएगी कि कीमत और मांगी जाने वाली मात्रा में ऋणात्मक संबंध है और आय में मांगी जाने वाली मात्रा में धनात्मक संबंध है। इसी प्रकार से जो तीसरी लोच जो मांग की होती है उसको बोलते हैं तिरछी लोच, जो हमने पहले भी पढ़ी थी। थर्ड मांग की लोच है तिरछी लोच। तो तिरछी लोच क्या होती है इसको हम लेंगे इलास्टिसिटी ऑफ क्रॉस या सब्स्टिट्यूट्स भी हो सकती है और कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकती है तिरछी लोच। तो हम इसको जनरली क्या करते हैं या एक्स वाई भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन लेंगे दूसरी की मांग में परिवर्तन लेंगे। जैसे मैंने यहां लिया वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन, परिवर्तन में प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन, और यहां लेंगे एक्स वस्तु की मांग में प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन। तो यहां देखिए चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ एक्स। देखिए एक्स वस्तु की मांग मात्रा क्यू एक्स, चेंज इन x वस्तु की मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन निकालेंगे तो हमने ये लिखा qx डिवाइडेड बाय y वस्तु चेंज इन py डिवाइडेड बाय py मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां क्या है ये x वस्तु की पूर्व मांग मात्रा, ये x वस्तु की मांग मात्रा में परिवर्तन, y वस्तु की पूर्व कीमत, y वस्तु की पूर्व y वस्तु की कीमत में परिवर्तन। अब हम इसको काटेंगे तो आएगा EXY, इसको ऐसा लिख सकते हैं EXY आप कैपिटल भी लिख सकते हैं स्मॉल भी लिख सकते हैं। X बोले तो क्वांटिटी, Y बोले तो प्राइस। तो हम इसमें लिखेंगे EXY चेंज इन क्वांटिटी ऑफ X बटे क्वांटिटी ऑफ X गुणा चेंज इन गुणा प्राइस ऑफ Y बटे क्वांटिटी ऑफ PY, चेंज इन क्वांटिटी चेंज इन प्राइस ऑफ PY। तो ये EXY आपका हो जाएगा py अपॉन qx डेल्टा qx अपॉन डेल्टा py। ये आपको यहां ध्यान रखने की जरूरत है कि देखिए ये फर्स्ट वाला बताता है क्वांटिटी को और सेकंड वाला बताता है प्राइस को। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए मैंने ऊपर लिया नीचे लिया x वस्तु की कीमत में परिवर्तन से y वस्तु की x वस्तु की कीमत में परिवर्तन से y वस्तु की मांग में क्या परिवर्तन हुआ तो ये चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा चेंज इन क्वांटिटी ऑफ y बटे क्वांटिटी ऑफ y मल्टीप्लाई बाय 100 चेंज इन प्राइस ऑफ x डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ x मल्टीप्लाई बाय 100 100 से 100 कटेगा। तो यहां अब क्या हो जाएगा अगर ऐसी स्थिति है तो हम लिखेंगे ई वाई एक्स क्रॉस डिमांड का होगा ई वाई एक्स या इसको आप स्मॉल ई वाई एक्स भी लिख सकते हैं। तो यह आ जाएगा चेंज इन क्वांटिटी ऑफ y बटे क्वांटिटी ऑफ y मल्टीप्लाई प्राइस ऑफ x बटे चेंज इन प्राइस ऑफ x। तो यह आ जाएगा पी एक्स अपॉन क्यू वाई डेल्टा क्यू वाई बटे डेल्टा पी एक्स।
ई वाई एक्स। तो मैंने जैसा कि आपको पहले बताया, फर्स्ट वाला क्वांटिटी को बताता है, सेकंड वाला प्राइस को बताता है। तो इस प्रकार से हम मांग की तिरछी लोच निकाल सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में यह देखा कि पहली चीज तो यह है कि मांग की लोच किसे कहते हैं, दूसरी चीज हमने ये देखी कि मांग की लोच के तीन प्रकार होते हैं। मांग की लोच, एक तो कीमत लोच होती है, दूसरी आय लोच होती है, तीसरी तिरछी लोच होती है। तो कीमत लोच सामान्य रूप से नेगेटिव होती है, आय लोच पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तीसरी लोच की बात करी तो तीसरी लोच में अगर वस्तु सब्स्टिट्यूट है तो वह पॉजिटिव आएगा, और वस्तु कॉम्प्लीमेंट्री है यानी पूरक वस्तु है तो वहां क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। थैंक यू।